शशि कपूर से कम तो नहीं दिख रहा है। सचमुच में अद्भुत है जयंत भैया। आजाद भारत में पैदा हुए और नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे भाभी जी के साथ का, तो अभी फरवरी में 50 साल पूरे हो जाएंगे, तब भी बुलाओगी ना भाभी। एक अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबके मन को जीत ले। सार्वजनिक जीवन उनका 50 साल से ज्यादा का हो गया। 1971 में कांग्रेस से निकल के पहली बार चुनाव में काम किया था उन्होंने, और तब उम्मीदवार थे स्वर्गीय विजय मलैया जी, और तब से लेके अब तक सबका दिल जीतते हुए बहुत सहज, सरल, संकोची, शिष्ट, शालीन, ऐसे के देखते ही प्यार उमड़ जाए, ऐसे हैं अपने जयंत मलैया। जयंत भैया, सचमुच भैया मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बरसों पुराना साथ हमारा भी है। अब मैं भी जब से होश संभाला तब से काम कर रहा हूं। मैंने उनका शालीन और शिष्ट रूप भी देखा है, लेकिन एक बार मुझे याद है, शायद गोपाल भाई भूपेन जी को भी याद हो, हम लोग थे पटवाजी लड़े छिंदवाड़ा से, और वो चुनाव बड़ा भयानक हुआ था। हम सब लोग चुनाव में काम करने गए थे, काउंटिंग होने वाली थी, काउंटिंग में कांग्रेसी गदर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, माफ करें ये कार्यक्रम अलग तरह का है, मैं सही घटना सुना रहा हूं। उस समय ऐसी आशंका हुई कि काउंटिंग में गड़बड़ होगी, तो जयंत भैया को मैंने तम तमाया चेहरा और बाहें चढ़ा के कलेक्टर की तरफ बढ़ते हुए भी देखा था। देख वो स्वरूप नहीं देखा कई लोगों ने। जब तक शांति से काम निकले, शांत और शालीन, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। अब पार्टी का काम अगर दिया तो तन्मयता के साथ, मुझे याद आता है कोई भी काम जयंत भाई को दिया हो उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि ठाकरे जी की शिक्षा ताई बता रही थी, उनकी छत्र छाया में संगठन का काम करना सीखा। अब गोपाल भाई बैठे हैं, गढ़ाकोटा में गोली चल गई, तब भी शायद अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री, अब अर्जुन सिंह, उस समय जयंत भैया जीते ही जीते थे 84 में, बाय इलेक्शन पता है कि नहीं, पहली बार जीते थे 84 में, उपचुनाव लड़ा था, और उस भयानक माहौल में जब आतंक का राज था, उस आतंक को तोड़ने गढ़ाकोटा में घुसे थे जयंत भाई, और लोगों को आत्मविश्वास से भरने का काम किया। जब संघर्ष की जरूरत पड़ी तो संघर्ष, जब संगठन का काम हो तो संगठन का काम। यह बात सच है कि दमोह जयंत मलैया जी के बिना अधूरा है, यह आज मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से। हर दिल पे, हर दिल पे उन्होंने राज किया। देखो हार जीत तो चलती रहती जी। अब हम भी हार गए थे, कहां भेजा था लड़ने हमें राघोगढ़, लड़ जाओ तो लड़ गए दिग्विजय सिंह से, उसमें क्या दिख। अच्छा पहली बार 84 में भी जयंत भैया पता नहीं सही होंगे ऐसा 92 वोट से हारे थे, जब जबरदस्त माहौल था, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी उसके बाद, और इस बार भी थोड़ा किनारे पे ही मामला था। जनता का अनेकों बार, 7 बार मुझे लगता, 7 बार 8 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। और मुझे याद है पहली बार पटवाजी के साथ जब मंत्री थे, मैं तब से बहुत ध्यान से उनको देखता हूं,
योग्यतम मंत्रियों में से पटवाजी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे जयंत भाई। इसके बाद उमा दीदी की सरकार 2003 के बाद आई, तब भी जिम्मेदार और गंभीरता से काम करने वाले मंत्री थे जयंत भाई। फिर गौर साहब की सरकार आई, बीजेपी की सरकार है मतलब, उसमें भी पूरी जिम्मेदारी निभा के मुख्यमंत्री का साथ देने वाले मंत्री थे जयंत भाई। और मेरे साथ तो लंबा समय गुजरा, अब मैं सच बता रहा हूं मुख्यमंत्री के नाते, जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया, और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में, जब मुझे लगा कि नगरों का की स्थिति खराब है, काम ठीक करना है, तो मंत्री कौन को बनाए, नगरी विकास और आवास पर्यावरण मंत्री, तो सोचा जयंत भैया। बाद में फिर मुझे लगा उद्योग लाना है, तो मध्य प्रदेश में उद्योगपति आते नहीं है, तो उद्योग लाने के लिए अगर सबसे जिम्मेदार चेहरा कोई हो जो कम उद्योगपतियों के पास जाए देश में विदेश में, तो कौन को बनाए, तो नाम ध्यान आया जयंत भैया। उसके बाद मेरे मन में एक जिद पैदा हुई कि मध्य प्रदेश की अगर हालत बदलनी है तो सिंचाई की व्यवस्था करनी है, क्योंकि खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और मध्य प्रदेश तब पनपेगा जब सिंचाई योजनाओं का जाल बिछ जाए। मैंने सोचा शिवराज कौन को बनाए, तब भी मेरे सामने नाम आया श्री जयंत मलैया। और बाद में फिर मैंने कहा खजाना संभाल के रखें, आपको आज गर्व के साथ बता रहा हूं मध्य प्रदेश कभी घाटे में नहीं रहा, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहे हैं हम। और तब लगा जिम्मेदार वित्त मंत्री कौन होगा, तब भी फिर एक ही नाम ध्यान आया श्री जयंत मलैया। ऐसा साथ निभाते आप कल्पना नहीं कर सकते, गंभीर से गंभीर जिम्मेदारी का काम आप जयंत भाई को दे दो और भूल जाओ, फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं है। ये योग्यता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। जयंत भाई मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं, आपने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की है, और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इसलिए केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन अभी तो 75 के ही हुए, अभी लगता ही नहीं है कि 75 के हो गए, और इसलिए अभी तो काम करते रहना है, ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, अभी तो काम करते रहना है, अभी तो और लंबे समय तक काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, और आप नहीं भाभी जी भी साथ जोड़ी बनी रहे, और इस परिवार का योगदान सदैव राष्ट्र निर्माण में लगातार मिलता रहे। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं हारने के बाद भी कभी ये नहीं लगा कि जयंत मलैया हार गए, अच्छा हारने का भी अपना आनंद है, 1.25 साल मैंने भी लिया है क्योंकि जब लोगों के दिलों में प्यार होता है तो बाकी चीजें सब बेमानी हो जाती है। वो प्यार सदैव जयंत भाई को प्राप्त होता रहा। एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और जयंत भाई इतना जरूर कहता हूं कि जब मेरा 75वां जन्मदिन मनाया जाए तो मुझे आशीर्वाद देने जरूर आना। अभी लंबे समय तक काम करना है, अनंत शुभकामनाएं।
एक श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। देखो, मैंने ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे जो हर परिस्थिति में समान रहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक श्लोक और है जो जयंत भाई पे फिट बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा भक्त कौन इसके लक्षण बताते हुए कहा, मुक्त संगो, एक वो श्लोक है, दूसरा एक समह शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतोष्ण सुख दुखोषु समह संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन के निचिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। समा शत्रु च मित्रे चा, जो शत्रु और मित्र में भी समान, जो सुख दुख में समान, मान अपमान में भी समान हो, कोई फर्क ही नहीं पड़े जिसको, सबको स्नेह और प्रेम करते हुए आगे बढ़ता रहे, वो ही मेरा सच्चा भक्त है। तो ऐसे सच्चे भक्त है जयंत मलैया। और मैं जैन से नहीं जोड़ रहा, लेकिन जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर, जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। तो जैन साहब नहीं, ऐसे जैन है जयंत मलैया। एक बार मैं फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताली बजा के भी जयंत भाई का अभिनंदन करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। भाई साहब आपको यहीं रोक रहा हूं। जयंत भाई इशारा समझ लिया, अभी सफर में है तू,